हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्ट्रिक्स क्लासेस वंस अगेन। स्टूडेंट्स, चलिए हम अपना प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। ये सेशन हम लोग एसएससी 2019 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, प्री का एग्ज़ाम और प्री के बाद जो मेंस का एग्ज़ाम होगा। इन सेशंस में हम लोग प्रीवियस ईयर्स के जो एसएससी के क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, प्रीवियस ईयर्स आज से पहले जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए उनमें जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को इस तरह से लिया गया है इन सेशंस में कि आप में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको आपके प्री या मेंस के एग्ज़ाम में दिखेंगे और इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट जो हैं ये अक्सर रिपीट हुआ करते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट मच एडू हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही रीचेस द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही रीचेस द स्टेशन। बताइए स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एरर किस पार्ट में है? ए में, फर्स्ट पार्ट में। द ट्रेन हैड लेफ्ट बी पार्ट में, व्हेन ही रीचेस स्टेशन सी पार्ट में, द स्टेशन। नो एरर भी हो सकता है, बताइए जरा। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही भयंकर कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछा जाता है, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही रीचेस द स्टेशन। यप, व्हाट शिल बी द करेक्ट आंसर? स्टूडेंट देखिए, हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। अभी हमें ये डिसाइड करना है कि टेंस के बेस पे टाइम को लगाया जाता है या टाइम के बेस पे टेंस को लगाया जाता है। तो जो सही प्रोसीजर है वो क्या है, टाइम के बेस पे टेंस को लगाया जाता है, ना कि टेंस के बेस पे टाइम। तो टाइम पता होगा, उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, टेंस फिट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, टाइम क्या है, व्हेन ही रीचेस द स्टेशन, जब वो स्टेशन पहुँचेगा। तो व्हेन के साथ यहाँ पे रीचेस प्रेजेंट टेंस आ रहा है, बात मतलब किसकी हो रही है, फ्यूचर की हो रही है। तो कोई टाइमलाइन पे जब वह स्टेशन पहुंचेगा, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी होगी। सिचुएशन यह है कि आप इमेजिन करो कि आपका ट्रेन 9:30 बजे है, आपके घर से रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में 1 घंटा लगता है और 9 आपको घर में ही बज गए, आप 9 बज चुके हैं और अभी घर से नहीं निकले हैं। तो क्या कहेंगे, जब वह स्टेशन पहुंचेगा उससे पहले ट्रेन निकल चुकी होगी। द ट्रेन हैड लेफ्ट की जगह क्या आएगा, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। मॉडल वर्ब के बाद हैज नहीं आता, हैव आता है। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट व्हेन ही रीचेस द स्टेशन। तो करेक्ट आंसर इज द ट्रेन विल हैव लेफ्ट व्हेन ही रीचेस द स्टेशन। जब वो स्टेशन पहुंचेगा तो ट्रेन निकल चुकी होगी। एम आई क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम, डजंट ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन इंडियन टीम, डजंट ही। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन की है, इस फॉर्मेट की है। अगर और किसी टॉपिक से क्वेश्चन आए ना आए, बट इस टॉपिक से क्वेश्चन तो पक्का आएगा इस कॉन्सेप्ट को लेके। ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम, डजंट ही। यस, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द आंसर। ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम, डजंट ही। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन टैग से लिया गया है। हमारा मास्टर सेंटेंस क्या है, ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, और वर्ब क्या है, इज है, और ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन टैग हमारा कैसा बनता है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनता है, ठीक है, ओके। और वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब है ही, इज और ही है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, इजंट ही, डजंट ही नहीं होगा। डजंट ही की जगह क्या होगा, इजंट ही। ही इज द फास्ट, ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द टीम इंडिया और इन द इंडियन टीम, तो इजंट ही। एम आई क्लियर टू यू?
चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। द ओल्ड मैन लिफ्टेड द हैवी बंडल विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। द ओल्ड मैन लिफ्टेड द हैवी बंडल विद हार्डली नो एफर्ट। यस, बताइए जरा इसका क्या आंसर होगा। यस, द ओल्ड मैन लिफ्टेड द हैवी बंडल विद हार्डली नो इफेक्ट एट ऑल। यस, वेरी गुड, यू ट्राई। देखिए स्टूडेंट्स, द ओल्ड मैन लिफ्टेड द हैवी बंडल विद हार्डली। हार्डली जो है ये नेगेटिव वर्ड है, हार्डली नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड मतलब इसमें नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हार्डली, स्कार्सली, बियरली, नो सूनर के साथ हम लोग नॉट का यूज नहीं करते हैं, नो का यूज नहीं करते हैं। तो हार्डली के साथ नो का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो हार्डली के साथ नो का यूज नहीं किया जाता, नो इम्प्रूवमेंट। सेकेंड ऑप्शन तो क्या, अब हमारे पास एक वर्ड होता है सम और दूसरा वर्ड है एनी। सम हम यूज करते हैं किसके साथ, पॉजिटिव वर्ड के साथ, और नेगेटिव वर्ड के साथ हम यूज करते हैं एनी। तो हार्डली के साथ सम तो यूज नहीं होगा, क्या होगा, हार्डली के साथ एनी यूज किया जाता है। हार्डली के साथ क्या यूज किया जाता है, एनी यूज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे विद हार्डली एनी एफर्ट, तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। द ओल्ड मैन लिफ्टेड द हैवी बंडल विद हार्डली एनी एफर्ट। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट नहीं आएगा, और हार्डली के साथ ओके सम आएगा जहाँ एनी आएगा। तो हार्डली के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एनी यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं है, विद हार्ड एंड नो एन एफर्ट भी नहीं होगा। कौन सा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर टू यू, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अ नेटिव इंडियन लॉज, वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जाम में आ चुका है, SSC एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अ नेटिव अमेरिकन लॉज, इनफैक्ट ये 2018 का एग्जाम जो 19 में हुआ, 2018 में ही आया था। यस, चलिए स्टूडेंट्स बताइए, 2018 के एग्जाम में आया था ये। यस, तो स्टूडेंट नेटिव अमेरिकन लॉज को क्या कहते हैं, किसके लिए वर्ड कौन सा है, इसके लिए वर्ड है हमारे पास बिग वैम। एग्जैक्ट वर्ड इज बिग वैम, राइट। चलिए तो करेक्ट, आप देख लीजिए, इग्लू, इग्लू का मीनिंग क्या होता है, ये तो आपको पता होगा, बर्फ के घर जो बनाए जाते हैं, दैट दोज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लू। विग वैम एक लॉज है, ओके। टैपी एक कोनिकल सिलेंडर होता है, टैपी इज द टाइप ऑफ कोनिकल टेंट, नॉट सिलेंडर, कोनिकल टेंट इज कॉल्ड टैपी। और यर्ट अ सर्कुलर टेंट ऑफ फेल्ट और स्किन। सर्कुलर टेंट, एक सर्कुलर टेंट को क्या कहते हैं, यर्ट कहते हैं। कोनिकल टेंट को क्या कहेंगे, टैपी कहेंगे। और विग वैम एक लॉज को कहते हैं, अमेरिकन, अ नेटिव अमेरिकन लॉज इज कॉल्ड विग वैम, वेरी गुड वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इवन दो मैनी कंपनीज आर नो पेनिट्रेटिंग रूरल इंडिया। इवन दो मैनी कंपनीज आर नो पेनिट्रेटिंग रूरल इंडिया, इट वुड हेल्प टू गिव इंडिया अ रियल चांस ऑफ विटनेसिंग अ डबल डिजिट GDP ग्रोथ। यस, इवन दो मैनी कंपनीज आर नो पेनिट्रेटिंग रूरल इंडिया, इट वुड हेल्प to give India a real chance of witnessing a double digit growth. मतलब options are despite many companies are, second as many companies, company is, beside many companies are, since many companies are,
नो करेक्शन या गाइस, बैंक पीओ का क्वेश्चन है। इवन दो मैनी कंपनीज आर नाउ पेनिट्रेटिंग रूरल इंडिया, इट वुड हेल्प टू गिव इंडिया अ रियल चांस ऑफ विटनेसिंग अ डबल डिजिट ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ। या गाइस टेक योर टाइम एंड आंसर प्लीज, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, टेक योर टाइम एंड आंसर। यस देखिए स्टूडेंट, इवन दो हम यूज करते हैं किसके लिए, कंट्रास्ट के लिए। इवन दो मैनी कंपनीज आर नाउ पेनिट्रेटिंग रूरल इंडिया, अगर उसके कंट्रास्ट की बात होती कि जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी तो हम लोग क्या इवन दो का यूज कर सकते थे। लेकिन तो अगले सेंटेंस में क्या लिखा है, इट वुड हेल्प टू गिव इंडिया अ रियल चांस ऑफ विटनेसिंग डबल डिजिट ग्रोथ, मीन पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, तो इवन दो तो नहीं होगा, तो नो करेक्शन रिक्वायर वाला ऑप्शन हमारा चला गया। डिस्पाइट भी नहीं होगा, डिस्पाइट कंट्राडिक्टरी बताता है, ये नहीं होगा। बिसाइड भी नहीं होगा, इसके अलावा एज मैनी के बाद प्लूरल नाउन आता है कंपनी, इज भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है सिंस मैनी कंपनीज आ, यहाँ पे सिंस का मीनिंग क्या है, सिंस का मीनिंग है बिकॉज, सिंस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, बिकॉज, सिंस का मीनिंग है बिकॉज, बिकॉज मैनी कंपनीज आर नाउ प्रैक्टिसिंग नाउ पेनिट्रेटिंग रूरल इंडिया, तो अवर करेक्ट आंसर इज डी, सिंस मैनी कंपनीज आर पेनिट्रेटिंग रूरल इंडिया इट वुड हेल्प टू गिव इंडिया अ रियल चांस ऑफ विटनेसिंग डबल डिजिट ग्रोथ। क्लियर, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। द सोशल मीडिया डिपार्टमेंट इज हेडलेस एट द मोमेंट एंड मैनी आर बाइंग टू द पोस्ट, द सोशल मीडिया डिपार्टमेंट इज हेडलेस एट द मोमेंट एंड मैनी आर बाइंग टू द पोस्ट। हमारे पास ऑप्शन है, द सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, इस पार्ट में एरर है, टू द पोस्ट, इस पार्ट में एरर है, थर्ड इज हेडलेस एट द मोमेंट, इज हेडलेस एट द मोमेंट, इस पार्ट में एरर है, एंड मैनी आर बाइंग, इस पार्ट में एरर है। बताइए, तो मैनी सोशल मीडिया डिपार्टमेंट टू द पोस्ट इज हेडलेस एट द मोमेंट एंड मैनी आर बाइंग। स्टूडेंट देखिए बाइंग का मीनिंग क्या होता है, बाइंग का मीनिंग होता है कंपीटिंग, कंपीटिंग। जैसे एसएससी की अगर आप बात करते हैं तो 30 लाख स्टूडेंट जो है वो फॉर्म भरते हैं, राइट अगर सब सही चला तो 20 लाख के आसपास स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम लिखेंगे, और पोस्ट कितनी, मैक्सिमम 10,000 पोस्ट हैं, तो 10,000 20 लाख स्टूडेंट्स, 20 लाख एप्लीकेंट्स आर बाइंग फॉर 10,000 पोस्ट, तो 20 लाख स्टूडेंट जो है वो 10,000 पोस्ट के लिए बाई कर रहे हैं, आपस में कंपीट कर रहे हैं, तो बाई के साथ क्या आता है यहाँ पे, फॉर आता है, बाइंग फॉर, तो इट शुड बी बाइंग फॉर, क्या होगा, बाइंग फॉर आएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, द टीवी न्यूज इज डॉक्टर बाय अनप्रोफेशनल्स एंड वेटेड बाय पॉलिटिकल हायर अप्स, द टीवी न्यूज इज डॉक्टर्ड बाय non-professional and vetted by political higher-ups. Yes. Yeah, guys. Waiting for your replies. Please answer. The TV news is doctored by non-professionals and vetted by political higher-ups. देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक वर्ड है डॉक्टर्ड, डॉक्टर्ड का मतलब होता है अल्टर करना, मॉडिफाई करना, जो यहाँ पे यूज़ किया गया है। दूसरा वर्ड है हमारे पास कौन सा, वेटेड, जो जिसे हमें रिप्लेस करना है अगर गलती है तो। वेट, वेट का मीनिंग क्या होता है, वेट का मीनिंग होता है डिज़ायर को बढ़ाना, अगर कोई चीज़ आपकी डिज़ायर को वेट करती है तो वो चीज़ आपकी डिज़ायर को
बढ़ाती है, वेट करना, राइट, वेट। तो इस केस में वेटेड तो नहीं होगा, मतलब डिजायर्ड बाय पॉलिटिकल हायर अप्स तो नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट तो होगा ही होगा हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास एक वर्ड है वेटेड, VETED, वेटेड। वेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ के कंटेंट को चेक करना, क्वालिटी को चेक करना बहुत केयरफुली। तो VETED, वेटेड, वेटेड का मतलब होता है किसी कंटेंट को बहुत केयरफुली चेक करना, वेटेड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, वेटेड होगा द टीवी न्यूज इज डॉक्टर्ड बाय नॉन प्रोफेशनल्स एंड वेटेड बाय पॉलिटिकल हायर अप्स। तो वेटेड, वेटेड का मीनिंग होता है चेक द कंटेंट क्वालिटी एटेस्ट्रा ऑफ समथिंग, वेट, WHETED, वेटेड, इंक्रीज योर डिजायर, ये वर्ड आया है वेट से। और एक वर्ड है हमारे पास डॉक्टर्ड, अल्टर्ड और मॉडिफाइड, अल्टर करना, मॉडिफाई करना, डॉक्टर करना, और हमारा सही ऑप्शन है वेटेड, VETED, वेटेड, क्लियर। चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लेते हैं, although he got home last night, is still a mystery to me. Although he got home last night is still a mystery to me. Student, देखिए, yes, what shall be the answer? How, while, since, and the. No improvement. Although contradiction को बताता है, although किसे बताता है, contradiction को बताता है, जब एक clause होगा दूसरा clause होगा और दोनों एक दूसरे के contradictory बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की अपोजिट बात बता रहे हैं, तो क्या आएगा, although आएगा। तो यहाँ पे although तो आ नहीं सकता, यहाँ पे किसी अपोजिट चीज की बात नहीं हो रही है, राइट। तो although तो नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर क्या है, हाउ, वो कैसे घर पहुंचा, हाउ, हाउ ही गॉट होम लास्ट नाइट इज स्टिल अ मिस्ट्री टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, वेरी गुड क्वेश्चन, आपको एरर ढूंढना है किस पार्ट में है। इफ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन, हिज वाइफ कैन डू द लॉन्ड्री क्विकली। इफ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन, हिज वाइफ कैन डू द लॉन्ड्री क्विकली। यस, इफ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन, हिज वाइफ कैन डू द लॉन्ड्री क्विकली। या गाइज, विल यू टेल मी वेर इज द एरर। If the farmer got a washing machine, his wife could do the laundry quickly. Yes. बताइए। तो स्टूडेंट देखिए, सेंटेंस का हम टेंस चेक करते हैं कौन सा है। If condition is the farmer got, तो got condition number कौन सा है, टू, condition number टू हो सकता है। Okay, if the farmer got वॉशिंग मशीन ही वाइफ, यहां पे क्या है, कैन नहीं होगा, वुड हो सकता है और वुड हो सकता है, कैन एबिलिटी के लिए, वुड कंडीशन के लिए। तो इफ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन, हिज वाइफ कुड और वुड डू द लॉन्ड्री क्विकली, इज इट क्लियर, कैन नहीं होगा। कंडीशन नंबर टू का सेंटेंस है, कंसिस्टेंसी ऑफ टेंस हमें चेक करना पड़ेगा कि टेंस कौन सा टेंस लिखा गया है, ठीक है, एम आई क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हुम वॉज द विंडो पेन ब्रोकन, बाय हुम वॉज द विंडो पेन ब्रोकन। विंडो पेन, जो विंडो के अंदर ग्लास लगा हुआ है, पेन, बाय हुम वॉज द विंडो पेन ब्रोकन। ये हमें सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में दिया हुआ है और इसे हमें चेंज करना है एक्टिव वॉइस में, बाय हुम वॉज दिस विंडो पेन ब्रोकन। या गाइस,
बाय हुम वाज द विंडो पेन ब्रोकन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बाय हुम क्या है, बाय हुम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, तो ऑब्जेक्ट सब में हु सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। वाज ब्रोकन है, वाज ब्रोकन है तो पास्ट में, तो पास्ट में क्या होगा, ब्रेक होगा, अगर ब्रेक होगा तो ये ब्रोक है, पास्ट में ब्रोक, या ब्रोकन का पास्ट ब्रोक। सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा हैज़ ब्रोकन, थर्ड ऑप्शन विल ब्रेक नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन ब्रेक्स नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, पास्ट में है तो पास्ट का पास्ट ही रहना चाहिए, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए एक ही वर्ड से मुझे पता लगा वॉज ब्रोकन, तो वॉज ब्रोकन जो है पास्ट की बात हो रही है, जब पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट का क्या होगा, हु ब्रोक दिस विंडो पेन, हु ब्रोक दिस विंडो पेन, ठीक है। चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है हमारे पास, विल यू टाइप दिस लेटर्स नाउ, विल यू टाइप दिस लेटर्स नाउ, विल यू टाइप दिस लेटर्स नाउ, हमारे पास ऑप्शन है, कुड यू टाइप दिस लेटर नाउ, कैन यू टाइप दिस लेटर नाउ, एंड शैल यू टाइप दिस लेटर नाउ। यस, ओके, सपोज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप इन लेटर को टाइप कर सकते हैं, नहीं, पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है, वैसे विल भी करेक्ट है, विल यू टाइप दिस लेटर्स नाउ, कैन बी करेक्ट है, शैल बी करेक्ट है, लेकिन जो एसएससी ने करेक्ट आंसर दिया था वो कुड था, ये ज्यादा पोलाइटनेस है, कुड ज्यादा पोलाइटनेस है, कुड यू टाइप दिस लेटर्स नाउ, तो ज्यादा पोलाइटनेस के लिए क्या यूज किया जाता है, कुड यूज किया जाता है, कैन मॉडल वर्ब है लेस पोलाइटनेस के लिए, कुड मॉडल वर्ब है मोर पोलाइट के लिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, विल भी करेक्ट था, कैन भी करेक्ट है, कुड भी करेक्ट है, अगर आप सेंस के तरीके से देखो तो विल कैन कुड तीनों करेक्ट हैं, बट एसएससी ने जो आंसर दिया था वो कुड दिया था, एसएससी का कहना है कि ज़्यादा पोलाइटली पूछा गया है, बट इसके आगे ज़्यादा इसके रीज़न को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट देखिए, गॉड हैज बिस्टोड मैन अनयूजुअल गिफ्ट, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। बिस्टोड, बिस्टो मतलब देना, प्रदान करना, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न बिस्टो किया गया, ओके, गॉड हैज बिस्टोड मैन अनयूजुअल गिफ्ट्स, यस, गॉड हैज बिस्टोड मैन अनयूजुअल गिफ्ट, ये देखिए स्टूडेंट, बिस्टो का मतलब होता है देना, प्रदान करना, किसी की रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, उस रिस्पेक्ट की वजह से उसको कोई चीज़ दी जाती है, इसको बिस्टो, बिस्टो के साथ ऑन आता है, बिस्टो के साथ अपॉन आता है, बोथ आर पॉसिबल, बिस्टो के साथ ऑन भी पॉसिबल है, बिस्टो के साथ अपॉन भी पॉसिबल है, तो यहाँ पे बिस्टोड विद तो नहीं होगा, फॉर भी नहीं होगा, बिस्टोड इम्प्रूवमेंट तो है ही है, बिस्टोड ऑन, लेकिन अगर अपॉन भी होता तो वो भी सही था, तो बिस्टोड ऑन, तो बिस्टो का मीनिंग, ओके, किसी को देना, थैंक यू फॉर दिस ऑनर दैट यू हैव बिस्टोड अपॉन मी, इस ऑनर के लिए थैंक यू जो आपने मुझे दिया है, बिस्टोड अपॉन मी, तो बिस्टो का मीनिंग होता है बिस्टो अपॉन, देना किस चीज को, एम आई क्लियर टू यू। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, ओके, हु वॉज द फर्स्ट टू डिक्लेयर दैट द अर्थ इज राउंड, हु वॉज द फर्स्ट टू डिक्लेयर दैट द अर्थ इज राउंड, हमारे पास ऑप्शन हैं, हु वॉज द फर्स्ट टू डिक्लेयर दैट द अर्थ इज राउंड, हमारे पास ऑप्शन है दैट एन अर्थ वॉज राउंड, एन अर्थ इज राउंड, द अर्थ वर राउंड, एंड नो इम्प्रूवमेंट, यस, यस स्टूडेंट बताइए,
देखिए स्टूडेंट, यहां पे हम बात कर रहे हैं हु वाज द फर्स्ट टू डिक्लेयर। डिक्लेयर तो कब किया होगा, पास्ट में किया होगा, नहीं इसलिए इसका पास्ट टेंस सही है। दैट द अर्थ, अर्थ तो अभी भी क्या है, राउंड है, अर्थ तो अभी भी राउंड है, ये तो ये फैक्ट है। तो दैट द अर्थ इज राउंड, अर्थ तो अभी भी राउंड है, फैक्ट है, फैक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट में लिखे जाते हैं, तो इसके साथ हम नो इम्प्रूवमेंट का सही होगा। एन अर्थ इज वॉज राउंड नहीं होगा, एन अर्थ इज राउंड भी नहीं होगा। द अर्थ, देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अर्थ से पहले द आता है, द अर्थ, ओके, सन से पहले द आता है, द सन, राइट, द सन, अर्थ और सन से पहले द आता है। अगर मैं ऐसे सेंटेंस लिखता हूं द अर्थ, द सन rises in the east, the sun rises in the east। अब यहां पे देखिए द सन, सन के से पहले द आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, ईस्ट से पहले द आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट है। ज्योग्राफिकल रीजंस के साथ द लगाते हैं और हम लोग सन के साथ द लगाते हैं, अर्थ के साथ द लगाते हैं, राइट। तो हु वॉज द फर्स्ट टू डिक्लेयर दैट द अर्थ इज राउंड। मीनिंग इज क्लियर टू यू, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रॉयल फैमिली हिड हर इंटरनल डिस्कार्ड एंड प्रेजेंटेड अ यूनाइटेड फ्रंट ऑन इट्स कंट्री। ये जो लास्ट SSC का पेपर हुआ था उसमें ही आया था, राइट, मीन्स का जो 2018 में मेंस का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। द रॉयल फैमिली हिट, द रॉयल फैमिली हिट देयर इंटरनल डिस्कार्ड एंड प्रेजेंटेड अ यूनाइटेड फ्रंट ऑन इट्स कंट्री। तो इसमें क्या होगा, यूनाइटेड फ्रंट टू देयर कंट्री एंड प्रेजेंटेड अ यूनाइटेड फ्रंट टू देयर कंट्री, टू देयर कंट्री, देयर इसलिए स्टूडेंट देखिए इट्स है, यहाँ पे क्या है, द रॉयल फैमिली इट देयर इंटरनल डिस्कार्ड। तो रॉयल फैमिली जो है कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी एक्ट कर सकती है, प्लूरल भी एक्ट कर सकती है। फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, देयर आर मैनी मेम्बर्स, ये सभी मेम्बर्स के लिए क्या यूज़ किया जा रहा है, देयर इंटरनल डिस्कार्ड। और जब देयर प्लूरल के लिए यूज हो रहा है तो सब्सिक्वेंट सेंटेंसेज में भी क्या बनेगा, प्लूरल ही बनेगा। जब प्लूरल बनेगा तो इट्स तो नहीं हो सकता, गलत है, टू इट्स कंट्री भी नहीं हो सकता, राइट। तो दो ही ऑप्शन है, टू देयर कंट्री, ऑन देयर कंट्री, तो इट शुड बी टू देयर कंट्री, राइट। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर रीअश्योर्ड दैट द ऑपरेशन वॉज अ रूटीन वन। द डॉक्टर रीअश्योर्ड, द डॉक्टर रीअश्योर्ड दैट द ऑपरेशन वॉज अ रूटीन वन। सपोज कोई डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे बताया ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वो मान गया, लेकिन उसे अंदर से डर लग रहा है। डॉक्टर ने उसे पहले कहा कि ये रूटीन ऑपरेशन है, कोई खतर घबराने की बात नहीं है, वो फिर भी डर रहा है। डॉक्टर ने उसे दोबारा कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। अब जब दोबारा कहा तो रीअश्योर्ड, बताइए जरा, द डॉक्टर रीअश्योर्ड दैट द ऑपरेशन वॉज अ रूटीन वन। स्टूडेंट देखिए, अगर मैं ये बात करता हूँ रीअश्योर्ड, एश्योर्ड का मतलब ही क्या होता है, दोबारा से बताना, और री लगाने का यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, सॉरी री जो है यहाँ पे, एश्योर्ड जो है ये ट्रांसटिव वर्ब है, और ट्रांसटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाने का जरूरत होगा, तो क्या होगा, रीअश्योर्ड मी। खैर वो एश्योर तो ऑप्शन में ही नहीं है यहाँ पे, तो रीअश्योर्ड मी, रीअश्योर्ड जो है ये यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, रीअश्योर्ड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, रीअश्योर्ड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। अगर यहाँ पे एश्योर होता तो वो भी करेक्ट होता, अगर यहाँ पे एश्योर होता तो वो भी करेक्ट होगा। एश्योर्ड के बाद भी क्या आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसके बाद भी ऑब्जेक्टिव के साथ ही आएगा, द डॉक्टर, ओके, एश्योर्ड मी,
डॉक्टर ने मुझे एश्योर किया था, डॉक्टर एश्योर्ड मी, एम आई क्लियर टू यू? तो री एश्योर का मतलब क्या था? टू पुट समथिंग माइंड एट ईज, टू पुट समबडी इज माइंड एट ईज, टू पुट समबडी इज माइंड एट ईज. ओके, दे ट्राई टू री एश्योर हर दैट शी स्टिल, बट शी स्टिल फेल्ट एंक्शस. नेक्स्ट, विदाउट बोथ issue is clarified, without both issues clarified, the board has kept all other matters before it pending. Right? Without both issue is clarified, the board has kept all other matters before it pending. Bank PO का question है. बैंक पीओ में क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइव ऑप्शंस हैं. ओके, बताइए. विच इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट? देखिए यहां पे बोथ है, तो बोथ के बाद इश्यू जो है सिंगुलर यूज हो रहा है, तो बोथ के बाद इश्यू सिंगुलर है तो गलत है इस, तो हमारे पास इंप्रूवमेंट तो होगा ही होगा. सिंस बोथ इश्यूज क्लेरिफाइड, तो एक्टिव वॉइस नहीं, हमें समटाइम्स पैसिव वॉइस में चाहिए. कौन सी वॉइस में चाहिए? पैसिव वॉइस में चाहिए, तो ये गलत है. और वैसे भी सिंस नहीं आएगा ना, कि सिंस मतलब बिकॉज, दोनों इशू को क्लेरिफाई कर दिया गया है इसलिए जो है बोर्ड ने बाकी मैटर्स पेंडिंग रख दिए, नहीं होगा. अनटिल, अनटिल टाइम के लिए यूज होता है. ईच इशू करेक्ट है, लेकिन वर नहीं आता, वाज होना चाहिए यहाँ पे. विदाउट द इशू बींग गलत है, क्या होगा? अनलेस कंडीशन, इफ, तो अनलेस बोथ इशूज आर क्लेरिफाइड, व्हाट शेल बी द आंसर? इट शेल बी डी, अनलेस बोथ इशूज आर क्लेरिफाइड. ठीक है, विल टेक वन मोर क्वेश्चन. बताइए, इन दैट होलसेल शॉप they do not sell fewer than 10 kilograms of rice. बताइए जरा क्या कहां पे एरर है. ओके, इन द होलसेल शॉप they do not sell fewer than 10 kilogram of rice. Yes, I am waiting for your reply guys. Yes. In the wholesale shop, they do not sell. So in the wholesale shop, correct? They do not sell. बिल्कुल correct है. Fewer. हमारे पास countable noun होता है. Countable noun के साथ क्या आता है? Few आता है. Uncountable noun है. Uncountable noun के साथ little आता है. Fewer का जो comparative degree है वो है fewer, और less का comparative degree है less. Okay, तो यहाँ पे then है, then comparative degree के लिए use होता है. Then के साथ हम लोग fewer का use नहीं करते हैं. Then के साथ किसका use नहीं करें, यहाँ पे then के लिए कौन सा degree चाहिए? Then जो है comparison के लिए use किया जाता है. अगर comparison countable noun में है और number के लिए बात हो रही, तो क्या आएगा? Fewer आएगा. लेकिन यहाँ पे rice uncountable noun है, 10 kilograms ये quantity बता रहा है, यहाँ पे fewer नहीं होगा, it should be less than. So in that wholesale shop they do not sell less than 10 kilograms of rice. Am I clear to you? So thank you very much guys for being with me. I hope ये question आपको अच्छे लगे होंगे. बहुत प्यारे क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू वेरी मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.